मैं जानता हूं कि यह प्रोसेस टीडियस है, पर हमें ये छोटे छोटे चेंजेस करने होते हैं और इसके लिए हमें ट्रैक को कई बार सुनना पड़ता है। ये रिपीटेटिव है पर बेहद जरूरी है। ये शायद थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है और ये बहुत रिपीटेटिव भी लग रहा है। हम आउट्रो ड्रम्स थोड़ा जल्दी ला सकते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे यहां एक रखना है। मुझे देखना था हमारे पास कितना टाइम है। सेक्शन कहाँ है? तो हमारी टाइमिंग यहां पर ऑफ थी, तो इसे हम ठीक कर लेते हैं।
पहले हम इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो हम इस पूरे सेक्शन को डिलीट कर देते हैं। ये जो मेलेडी पार्ट है यहाँ पे, हमें वो नहीं चाहिए। हम फिर से ट्राई करेंगे। हम फिर से ट्राई करेंगे। ये कभी कभी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। इस पार्ट में हम एग्जैक्ट सेम थिंग यूज करेंगे। तो ये अब ठीक है। अब हम ट्रैक के साथ आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इस फेज में आने के बाद ट्रैक थोड़ा टीडियस हो जाता है, क्योंकि आपको ट्रैक कई कई बार सुनना पड़ता है और सुनते सुनते उसमें एडजस्टमेंट करने होते हैं। इससे आपको ईयर फटीक भी हो सकता है। जब आपको ये हो जाए, आपको एक ब्रेक ले लेना चाहिए। आप एक मूवी देख सकते हैं या सो सकते हैं। आपको आपके कानों को एक ब्रेक देना चाहिए कुछ टाइम के इंटरवल के बाद। इससे आपके ईयर फ्रेश रहेंगे और ऐसी चीज आप सुन पाओगे जिनको आपने पहले मिस कर दिया था। तो अब हम अगले ट्रैक की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा पूरा ट्रैक रेडी टू गो है। हम इसमें कुछ इफेक्ट्स ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम इसमें कुछ वोकल्स भी ऐड कर सकते हैं। ये ट्रैक की अरेंजमेंट अब सॉलिड हो गई है। ये एक 4 मिनट का गाना है। ये एक रेडियो प्ले के लिए एवरेज लेंथ है। उनको गाने की लेंथ 3 मिनट्स या उससे कम चाहिए होती है, और ऐसे ट्रैक्स को हम रेडियो एडिट्स बोलते हैं। रेडियो एडिट एक गाने का शॉर्टर वर्जन होता है, और कभी कभी आपके पास लॉन्गर वर्जन्स होते हैं जो DJs के काम आते हैं। उनमें एक काफ़ी बड़ी आउट्रो होती है। हम इसे 4 मिनट का रखेंगे। तो आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।